की सबसे मिलिटेंट खाप है, जिसको न चौटाला साहब डरा पाए न बंसीलाल जी डरा पाए। उन्होंने मेरा सम्मान किया था तो मैंने वो सम्मान उन किसानों को लौटा दिया जो वहां बैठे थे, और वहां मैंने ये घोषणा की कि मैं अपना गवर्नरशिप का पीरियड खत्म होने के बाद पूरे देश में घूम के किसानों को इकट्ठा करूंगा, ताकि आगे जो सरकारें बने उनमें हम मांगने वाले ना बने, देने वाले बने। जब हम मांगते हैं तो ये हमें भिखमंगा समझते हैं। 40 दिन तक कोई बात नहीं हुई सरकार के और किसानों के बीच में। 700 लोग मर गए धरने पे बैठे हुए। दिल्ली से कोई कुतिया भी मर जाती है तो प्रधानमंत्री की चिट्ठी जाती है, लेकिन 400 किसानों का कोई शोक संदेश, उनका कोई वो नहीं किया गया, और एक तरह से बहुत ह्यूमिलिएट किया गया किसानों को। तो मैंने ये तय किया कि जो जितना जीवन बचा है इसमें किसानों को संगठित करके और उनको ये सिखाया जाए कि मांगने के बजाय राज बनाओ, ताकि तुमसे लोग मांगे, तुम अपनी सरकार बनाओ। तो मुझे, मैंने ये कॉल तो वहां से दे दी, लेकिन सरदार शहर आते आते मुझे थोड़ी झिझक हो रही थी कि पता नहीं कोई आएगा नहीं आएगा। लेकिन एक बहुत मशहूर शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानी बे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये जो किसानों का मुद्दा है, ये ऐसा है कि इस पे पूरे देश को इकट्ठा किया जा सकता है। ये 65 से 70% हैं किसान और मजदूर।